मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया था कि भारत में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया जाए। आज की डेट में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ, अलग अलग, यानी अगर आपकी तबीयत खराब है तो पहले आप एम्स जाओ, वहां एलोपैथी का इलाज कराओ, वहां अगर तबीयत ठीक ना हो तो फिर आयुर्वेद में जाकर इलाज कराओ, फिर वहां से भी ना हो तो होम्योपैथी में जाके कराओ। हमारा ये कहना है कि एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू होना चाहिए। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेडिकल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन किया जाए, फर्स्ट ईयर में भारतीय चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाए सबको, यानी योग के बारे में पढ़ाया जाए, नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ाया जाए, आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाए, नाड़ी चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाए। उसका ये फायदा होगा कि जिन बीमारियों का इलाज बिना दवा खाए हो सकता है उसके लिए सिंथेटिक ड्रग नहीं खाना पड़ेगा। अगर जिन बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर से हो सकता है, कुछ पॉइंट दबा के हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज केवल योग प्राणायाम से हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज केवल नाड़ी चिकित्सा से हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज आहार चिकित्सा से हो सकता है, जिन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से हो सकता है, उसके लिए सिंथेटिक ड्रग न खाना पड़े। ये तभी संभव है जब मेडिकल का कोर्स एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो, फर्स्ट ईयर में कॉमन कोर्स हो सबके लिए, बाद में सेकेंड ईयर से शुरू हो कि आपको एलोपैथी में जाना है या होम्योपैथिक में जाना है, आयुर्वेद में जाना है, नेचुरोपैथी में जाना है, लेकिन फर्स्ट ईयर का सिलेबस कॉमन होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिस केमिकल किसी से भी करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। ला आप क्रिमिनल लॉयर बनिए या किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बनिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। एमबीए में फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है। तो पहली मांग ये है मेरी। दूसरा हमने जो मांग किया है कि प्रत्येक हॉस्पिटल में सभी प्रकार के डॉक्टर बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां आयुर्वेद का हॉस्पिटल है वहां केवल आयुर्वेद का बैठे, जहां पे एलोपैथ का हॉस्पिटल है केवल एलोपैथ का बैठे। भाई अगर मान लीजिए मेरी तबीयत खराब, मैं एम्स में जा रहा हूं, सारे डॉक्टर वहीं हैं, वो डिसाइड कर लें कि मुझे एलोपैथी की जरूरत है या होम्योपैथी की जरूरत है या नेचुरोपैथी की जरूरत है या हमें सिंथेटिक ड्रग लेने की जरूरत है, जो भी है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार एम्स में जाएं, एम्स वाले किसी और हॉस्पिटल में रेफर करें, वहां वाले कहीं और हॉस्पिटल में रेफर करें, वहां वाले कहीं और हॉस्पिटल में रेफर करें। मेरी याचिका के बाद पूरी मेरी पीआईएल नीति आयोग को फॉरवर्ड कर दी गई। नीति आयोग में एक 20 सदस्यीय कमेटी भी बन गई। 20 सदस्यीय कमेटी उस पर काम कर रही थी, लेकिन इसके बाद इलेक्शन के बाद क्या हुआ उसका कुछ आइडिया नहीं है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने नीति आयोग से कहा है कि आप 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करिए कि भारत में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू करने के लिए नीति आयोग ने क्या प्रपोजल किया है, ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। दुनिया के कई देशों में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू हो चुका है, चीन में बहुत पहले लागू हो चुका है, भारत में दुर्भाग्यवश आज भी वही कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है। या तो आप होम्योपैथी इलाज करा लो या आयुर्वेद का इलाज करा लो या एलोपैथ का इलाज करा लो, कभी ऐसा नहीं होगा कि मिक्स हो जाएगा। दूसरा, भारत में दवाई का मतलब एलोपैथिक मेडिसिन हो चुका है, दवाई का मतलब सिंथेटिक ड्रग हो गया है और डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस डॉक्टर हो चुका है। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद वाले बहुत नीचे नहीं होते, आयुर्वेद वाले उन बीमारियों को, सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जिसको एमबीबीएस वाले करते हैं, फिर इतना नीचे पायदान पे क्यों रखा हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल का मतलब केवल और केवल एलोपैथिक डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल में एक समान रेशियो होना चाहिए। हमारी भारतीय चिकित्सा के जो डॉक्टर हैं, जो नेचुरोपैथी के हैं, आयुर्वेद के हैं या नाड़ी चिकित्सा के हैं या प्राकृतिक चिकित्सा के हैं, इनकी भी संख्या उतनी ही समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, अगर 100 वैकेंसी आ रही है डॉक्टर की तो उसमें से 90 तो केवल एलोपैथ वाले होंगे और केवल 10 पोस्ट होगी वो नेचुरोपैथी के लिए होगी या आयुर्वेद के लिए होगी, ये बंद होना चाहिए। इसी बात पे लेके माननीय कोर्ट ने आज फिर से सरकार को नोटिस जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को नोटिस जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को नोटिस जारी किया है और नीति आयोग से कहा है कि इंटीग्रेटेड चिकित्सा व्यवस्था लागू करने के लिए क्या प्रपोजल है। नवंबर में फर्स्ट वीक में फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन चुका है, पहले में केवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी हो गया है, आने वाले टाइम में भारत में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू होगा। प्रत्येक हॉस्पिटल में सभी प्रकार के डॉक्टर होंगे, प्रत्येक हॉस्पिटल में सभी प्रकार का इलाज होगा। अब हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कि हमें आयुर्वेद का इलाज कराना है तो कहीं और जाना है और अंग्रेजी दवाई एलोपैथ का इलाज कराना है तो कहीं और जाना है, ये सिस्टम अब बंद हो जाएगा।